छिंदवाड़ा के कलाकारों की प्रतिभा को निखारने के लिए महानगरों की तर्ज पर अब छिंदवाड़ा में भी बॉलीवुड की तरह छिंदवाड़ा के कलाकार अपनी प्रतिभा को बॉलीवुड में प्रदर्शित कर सकेंगे। फिल्म प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट एवं थर्ड एंगल मल्टीमीडिया स्टूडियो की पेश केस के द्वारा पीओके फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होटल देव इंटरनेशनल छिंदवाड़ा में किया गया। फिल्म के लॉन्चिंग के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी एवं गुलाबी गैंग की मध्य प्रदेश कमांडर श्रीमती पूर्णिमा वर्मा फिल्म लॉन्चिंग पर अपनी उपस्थिति दी। मीडिया प्रभारी रोशन सिंगनापुरे ने बताया कि इस फिल्म में अधिक से अधिक छिंदवाड़ा के कलाकारों को मौका दिया जाएगा। दुशांत फिल्म के सीईओ दुशांत कुमार ने बताया कि इस फिल्म को हिंदी एवं मराठी दोनों भाषाओं में लॉन्च किया जा रहा है, जिसका डायरेक्शन नियॉन एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर नेक विश्वकर्मा करेंगे। फिल्म में बॉलीवुड छत्तीसगढ़ व यूपी के बड़े कलाकारों को इस फिल्म में मौका दिया गया है, साथ ही छिंदवाड़ा के कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा। दिशांत फिल्म प्रोडक्शन के डायरेक्टर तुषांत कुमार पीओके के बाद छिंदवाड़ा में शहीद मेजर अमित ठेंगे एवं देवगढ़ के किले पर भी आधारित फिल्म जल्द ही तैयार होगी। सिटी इन भारत से ब्यूरो रिपोर्ट छिंदवाड़ा। कुछ अच्छा करके देखते हैं। डायरेक्टर साहब हमारे यहाँ पर वो उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। उन्होंने अभी मुझे असिस्ट करा था, मेरे अभी एक फैशन शो किया था मैंने रिसेंटली, फैशनेशन ऑल इंडिया फैशनेशन, वो हमारे उसमें ग्रूमिंग टीचर थे, उसने मैंने उनका डायरेक्शन देखा, देन मैंने कहा कि उनके साथ एक मूवी करना चाहता हूँ, और फिर आज हम उस मूवी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कोशिश कर रहा हूँ। हमारे निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी स्टेशन पर रुके हुए, उनको शुभकामनाएं दें, अपने आशीर्वाद दें। छिंदवाड़ा की आज गौरव की बात है। छिंदवाड़ा वैसे तो बहुत छोटा होकर भी बहुत बड़ा है। छिंदवाड़ा का नाम पूरे देश में है, लेकिन निश्चित ही पीओके के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से छिंदवाड़ा का नाम और आगे जाएगा। आप सभी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे लगा पीओके हमारे सेनाध्यक्ष ने कहा था पीओके के बारे में, तो मैंने कहा आज उसकी मन चिंत नहीं है यहीं से पाकिस्तान के ऊपर। जब मेरे को पहली बार पता चला कि पीओके फिल्म की शूटिंग यहाँ होगी, तो मुझे लगा कि पीओके नहीं तो नहीं है, लेकिन बाद में बताया कि और कुछ नाम है पीओके का मतलब। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। छिंदवाड़ा निश्चित ही पूरा सहयोग आपको करेगा, और एक आप अच्छी फिल्म बनाए जिससे आपका भी और छिंदवाड़ा का भी नाम रोशन हो। धन्यवाद। वो मेन लीड पे हैं, जो कि पवित्र रिश्ता आप देखे हैं उनके हैं, उसमें से हैं वो मेन लीड पे हैं। बाकी जो भी यहाँ के जो भी कास्ट है वो लगभग यहाँ के हैं, आपके एमपी के हैं, छिंदवाड़ा के हैं, टोटल का 20 कास्ट अप्रॉक्स यही के हैं आपका इसमें। अभी आपने कितनी फिल्में प्रोड्यूस की है? मेरा ये चौथा मूवी है। कौन कौन सी? मेरी है एक, इससे पहले एक और मौसीकी है मेरी, एक ये है पीओके हो गई, एक है मैं छत्तीसगढ़ी मूवी है मैं तुर दिन तैमूर धड़कन, वो है। आप प्रॉपर मुंबई से कि बिलासपुर से? मैं बिलासपुर, मेरे छत्तीसगढ़ में मैं रायगढ़ से बिलोंग करता हूँ एक्चुअली। मेरी ऑफिस, मेरा प्रोडक्शन हाउस है बॉम्बे, बॉम्बे में भी मेरी ऑफिस है, वहाँ से मैं मेनली सब करता हूँ, बट मेरा नेटिव प्लेस सारंगढ़ है, छत्तीसगढ़ में सारंगढ़ मेरा नेटिव प्लेस है। इनसे मेरे शो के मेरे, मैंने अभी रिसेंटली फैशनेशन भी वो कराया था ऑल इंडिया लेवल पर, पूरी इंडिया में हुआ था उसका फिनाले, मैंने फिर कराया था, उसमें ये मेरे ग्रूमिंग टीचर थे, उनसे तब मिला था मैं, इनका डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा। मेरे इनको मैंने अप्रॉक्स 35 स्टूडेंट दिया था, जिसको इन्होंने ग्रूम कर दिया 5 डेज में, ओनली ग्रूम करके रेडी कर दिए मेरे फैशन शो के लिए। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, जबकि उनको उतना ज़्यादा उसमें बहुत मेहनत करना पड़ा था उनके ऊपर, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना आउटपुट दिया वहाँ पर। उसका रिजल्ट ये रहा कि मेरे को ऑल ओवर इंडिया से मैंने 16 लोगों को फाइनल कास्ट करने के लिए वो किया, उसमें मेरे एमपी के आपके छिंदवाड़ा के हैं। सर ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इसमें कि दिशांत प्रोडक्शन जो है, मैं अभी तक बहुत से प्रोडक्शंस को देखा हूँ जो पैसा लेके काम करते हैं या फिर बहुत से फेक ऑडिशंस कराते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन दिशांत फिल्म प्रोडक्शन के साथ ये सब चीज़ें मैंने नहीं देखा है। आपको बिल्कुल थर्ड एंगल के नाम से हम लोग ने अभी प्रेजेंट करें, मैं नियॉन तो सेट में रहा ही अभी तक और अभी भी रहेगा, तो अभी आप लोग अगर सर्च करना चाहते हो थर्ड एंगल के नाम से अगर देखते हो शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म काफ़ी मिल जाएगी आपको। और ये हमारी बड़ी फिल्म जो है छिंदवाड़ा के लिए पहली है, हम लोग काफ़ी समय से सोच रहे थे कि इसको हम लोग बनाना है, तो ये प्रोसेस हमारी आज की नहीं है,
हम लोग 4-5-6 साल से हम लोग इस चीज के लिए बैठे थे, करेंगे तो अच्छा करेंगे, इस चीज के लिए हम लोग बैठ चले थे। तो बस पूरा सारी चीजें कम्प्लीट होने के बाद हम लोग इसको प्रोजेक्ट